नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, शिक्षा मित्रों की समस्या के संबंध में सभी लोग अच्छे से अवगत हैं और इस संबंध में ही अब शिक्षा मित्र जो है ट्विटर पे लगातार ट्वीट करके अपनी समस्याओं के बारे में सभी को बता भी रहे हैं। इसी के संबंध में अभी एक ऑडियो निकल के आया है जो इस वीडियो में मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। होने के नाते जो है शिक्षा मित्रों द्वारा चलाई गई प्रत्येक गतिविधियों पर मेरा ध्यान रहता है, सलाह विमर्श का पर्व तो मैं एडवाइस भी देता रहता हूँ संगठन के प्रमुख लोगों को। बीबीसी कार्रवाई एक बार गया था जब हमारे यहाँ, जब मैं बीएससी पार्ट टू का छात्र था सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसमें अभिव्यक्त की स्वतंत्रता जो तो बोलना था, तो रूपा झा ने हमसे पूछा था कि 20 सेकंड में आप बोलिए। तो उस समय मैं कहा था, मैं विधि का छात्र नहीं था, मैं विशुद्ध रूप से साइंस का छात्र था, मैं संविधान तब तक देखा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि कुछ ऐसे माध्यम होने चाहिए कि सबकी आवाज को जो है रखने का मौका मिलना चाहिए पार्लियामेंट में। मैंने पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया था उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर, जो हमारे संविधान का प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। और ये संविधान ही नहीं, पूरे जो मानव विज्ञान है उसमें जो जीव तंत्र है, जीव तंत्र में वाणी की अगर किसी को बोलने की क्षमता मिली है तो मानव को मिली है जी। और भारतीय संविधान में इसका बहुत बड़ा स्थान है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है जी। ये आप और हम और सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप हमें रोक दिए कि आप आ नहीं सकते राजधानी में, आप पे दूसरे एक्ट लगा देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर शिक्षा मित्र अपनी बात को कह रहा है। यदि वो गरिमापूर्ण है, देश के विरुद्ध नहीं है, देश की अखंडता गरिमा के विरुद्ध अगर कोई शब्द नहीं जा, अगर विरोध में जा रहा है तो वो तो दंडनीय हो सकता है, लेकिन देश की अखंडता गरिमा और उसके विधि के अनुरूप हम कोई काम कर रहे हैं, एक पैरामीटर में सम्मानित ढंग से करते हैं, तो मैं समझता हूँ विधिक रूप से कहीं उसको अड़चन नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत से केसों में इसको अपील किया है, हाई कोर्ट ने भी कहा है, और ये बहुत ही सेटल प्रिंसिपल है कि अपनी बात को गरिमापूर्ण ढंग से रखने का सबका अधिकार है जी। जैसा कि प्रदेश के शिक्षा मित्र वो काफी हताश और निराश रहते थे जी। और इस बार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहने में सफल भी हुए हैं, तो क्या लगता है इस तरीके से सोशल मीडिया में ट्विटर पर अपनी बात को कहने से क्या शासन प्रशासन पर इसका कुछ कारगर दबाव बन सकता है या भविष्य में इनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया का ट्विटर जो है ना, आप बैठे हैं अपने गोरखपुर के नौतनवा के एक घर में और वहां से अगर आपने टैग कर दिया अमेरिका के प्रेसिडेंट को, उनसे जितने जुड़े लोग हैं वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। आप जैसा हैशटैग चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को लोग टैग कर रहे हैं, तो उनसे जितने जुड़े लोग हैं उनको मैसेज चला जा रहा है। तो कम संसाधन में बिना एक पैसा खर्च किए हुए शिक्षा मित्रों की ये रणनीति जो है बहुत ही सफल है। और जितना हम धरना प्रदर्शन में ऊर्जा लगाने के बाद, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद सफलता पाए हैं, उससे कहीं ज्यादा हम इसमें सफलता पाए हैं। आज कोरोना के दौर में लोग पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, कोरोना के दौर में कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ऐसे चपका हुआ उसका कोरोना का जीवाणु विषाणु ना आ जाए। तो एक जो संसाधन इस समय है लोगों को बाहरी दुनिया से जुड़ने का, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेसबुक ज्यादा पॉपुलर है, उसके बाद ट्विटर जो था ये थोड़ा ये इलीट क्लास के लोगों था, जो बड़े अपने को बहुत अच्छा अंग्रेजी लिख देते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं और उसको संक्षेप में लिख देंगे कि शिक्षा मित्र SM लिख के हैश करके, जो अच्छे मन पढ़े लिखे लोग थे, जो कम शब्दों में अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे लोग ट्वीट करके, और उसके करोड़ों फॉलोवर लोग हैं,
तो उनको मैसेज, जैसे अमिताभ बच्चन को अगर टैग कर दिया जाए तो उनके जितने फॉलोअर है उनके पास वो मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। ये तकनीकी बातें हैं ट्विटर में कि कैसे कितने लोग पास जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, लेकिन हम प्रसन्नचित इस बात से हैं कि यह समाज के लोग जो कभी शिक्षा में जब संघर्ष करता था, मैं बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि जब हमारे लोग मरते थे तो बहुत उपहास करते थे, हमें आंसू आ जाता था। मैंने कभी कभी कहा है कि जब शिक्षा में तो मरने की सूची सुनता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। तो वही अध्यापक समुदाय के लोग जो है हमको नहीं साथ देते थे, और जब सहायक अध्यापक लोग चुनाव की ड्यूटी में मरे, कर्मचारी लोग मरे, सारे लोग मरे, और सरकार का रवैया उन लोगों के पास बेरुखी वाला था, तब उन लोगों शिक्षा मित्रों की याद आई और शिक्षा मित्रों के संघर्ष, उनकी पीड़ा को समझे ये लोग। मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, बहुत खेद है मुझे, रोष भी है बहुत है कि शिक्षा मित्र जब संघर्ष कर रहा था तो उसके समान लोगों ने उसका उपहास करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज जब यह मुहिम शिक्षा मित्रों ने ट्विटर पे छोड़ दिया है, हर जगह उन्होंने अपना शुरू कर दिया है, तो अन्य लोग भी देखा देखी इनका ऐसा कर रहे हैं। बहुत बहादुर हमारा शिक्षा मित्र है, कम दिन बचे हुए हैं, बहुत कष्ट के दिन हो गए, अब सुखमय दिन आ रहे हैं। या तो सरकार के लोग या राजनीतिक पार्टी के लोग शिक्षा मित्रों को अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे, या जो घोषणा पत्र दिए उसको याद दिलाएंगे, या कोई ठोस निर्णय लेंगे। अब यह ठोस निर्णय लेने, लिलवाने और करवाने का समय है, इसलिए सभी शिक्षा मित्र जो नहीं कर पाते हैं तो अपने लड़के से, नात से, रिश्तेदार से, गांव में कोई भी जो उसे चलाता है तो उसे कह दो भाई हमारे मेरे नाम से टैग कर दो, आप इसको करो। तो यह आंदोलन जो है मैं समझता हूँ कि 10 लाख तक पिछले बार पहुंचा था, इस बार हम बहुत ज्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, ये 50 लाख तक पहुंचाने के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा शिक्षा मित्र का लक्ष्य जो है 50 लाख। ऑडियो को पूरा सुना होगा कि इसमें किस तरीके से वार्तालाप की गई है, और शिक्षा मित्रों को धन्यवाद भी कहा गया है, और साथ में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से शिक्षा मित्रों ने इससे पहले ट्वीट की थी और अपना जो लक्ष्य था वो 10 लाख के आसपास पहुंचाया था, और अब की बार जो है वो लक्ष्य जो है 50 लाख ट्वीट का रखा गया है, यानी कि शिक्षा मित्रों के द्वारा अगर इतनी संख्या में ट्वीट की जाती है तो उनका जो हैशटैग है वो निश्चित तौर पर ट्रेंड में जाएगा, और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के बारे में सभी को पता भी चलेगा, और बहुत जल्द इस पे कुछ ना कुछ अच्छी खबर भी जो है वो शिक्षा मित्रों को निकल के आ सकती है। साथ ही हम यहाँ पे आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों के द्वारा जून महीने के मानदेय की मांग भी है, वो जोरों शोरों से उठाई जा रही है कि शिक्षा मित्र अगर जून के महीने में कोई भी कार्य करते हैं तो उनको उसका मानदेय भी दिया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षा मित्रों के द्वारा उनके समायोजन की बात भी उठाई गई है, और इसके साथ ही शिक्षा मित्र जो है लगातार ट्विटर पर एक्टिव है, और आप सभी से ये अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप लोग भी लगातार ट्विटर पे एक्टिव रहें और इसी तरीके से ट्विटर पर अपनी समस्याओं को सबके सामने शांतिपूर्ण तरीके से रखते रहें, ताकि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द अंत हो सके और शिक्षा मित्रों को एक अच्छे भविष्य की जो न्यूज है वो भी सुनने को मिल सके। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।